क्यों नहीं वरिष्ठ अधिकारी आगे आकर अपने जूनियर इंजीनियर और वहां के अतिक्रमण अधिकारी को अभी तक निलंबित क्यों नहीं किए, निलंबन छोड़िए उनको वहां से तबादला क्यों नहीं हुआ? और ये कौस्तुभ तोमरे जो जूनियर इंजीनियर है, ये आखिर है कौन, इसके पीछे कौन है? इसका डंपिंग ग्राउंड में जब तबादला किया गया था तो 15 दिन में फिर अतिक्रमण विभाग में कैसे आया? इनके पीछे कौन है? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर जो पिछले दिनों में कुछ घटनाक्रम हुआ है वसई विरार में, वसई के राजीवली में भूस्खलन हुआ, एक घर के ऊपर पहाड़ का टुकड़ा गिरा और उसके बाद में 2 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद में कहीं न कहीं प्रशासन पर सवाल उठे और उसी के दबाव में प्रशासन ने आज एक काफी बड़ी कार्यवाही वगरालपाड़ा राजीवली में ली। वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति जी ने एक प्रेस नोट बकायदा जारी करते हुए उसमें कई सर्वे नंबर का जिक्र किया, सर्वे नंबर 146, 147, 196, 201, 203, 204, 206, इन इतने सर्वे में कुल 114 अनाधिकृत रूम 28,500 स्क्वायर फुट के वो तोड़े गए, 30 पाया प्लिंथ 7,500 स्क्वायर फुट और 5,000 स्क्वायर फुट का पतरा शेड, इस तरह से टोटल 41,000 स्क्वायर फुट का बांध काम आज वसई विरार महानगर पालिका ने गिराया। इस मामले पे मैं कुछ कहूं, उसके पहले इस कार्यवाही पर सवाल उठे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी जयेंद्र पाटिल ने कुछ सवाल उठाए हैं। पहले आप सुनिए वो जयेंद्र पाटिल का बयान। आज महानगर पालिकेने राजौली भागात कारवाई चालू केलेली आहे, पण कारवाई आम्ही स्वतः बघतोय, आमच्या डोळ्यासमोर बघतोय, ते ह्या लोकांनी छोट्या छोट्या रूम तोडलेल्या आहेत, पण समोर ही जे महानगर निर्माणशाला जी आहे त्याच्यावर स्लॅब टाकलेला आहे, पहिल्याही याच्यावर कारवाई झालेली, पण ह्या अधिकाऱ्यांना त्या शालेवाल्याने विकत घेतलेला आहे असा आमचा मनसेचा त्या अधिकाऱ्यांवर आरोप आहे। स्वतः कौस्तुभ तामोरे स्वतः आहे आणि त्यांनी पण स्वतः बघितलंय, तर आम्ही त्याला सांगतो की ही शाला याच्यावर कारवाई करा, पण ते कारवाईला घाबरतात, कारण ह्यांनी त्यांचे साठे लोटे झालेले आहेत म्हणून हे कारवाई करायला घाबरतात। जर ह्या लोकांनी कारवाई केली आणि शाला तोडली तर आम्ही त्यांच्या मनसेच्या माध्यमातून त्यांचा सत्कार करू। आपने जयंत पाटील का बयान सुना, जयंत पाटील जो है सवाल उठा रहे हैं कि ये जो कार्यवाही है वो कार्यवाही दिखावे की कार्यवाही, उन्होंने कार्यवाही को दिखावे की कार्यवाही बताया। मैंने जो आपको अभी प्रेस नोट में जो था कुछ वो सुना है कि कहां कहां कौन कौन से सर्वे नंबर पर कार्यवाही हुई, ये था प्रेस नोट का आधा हिस्सा। नीचे प्रेस नोट में और कुछ लिखा हुआ है, नीचे प्रेस नोट में लिखा हुआ है इस मुहिम में, मराठी में है प्रेस नोट, इस मुहिम में प्रभाग समिति जी की सहायक आयुक्त नीलम निजाई, प्रभाग समिति डी की सहायक आयुक्त मैडम विशाखा मोडगरे, प्रभाग समिति एच के सहायक आयुक्त गिंसल गोंसाल्विस, ऐसे 3 सहायक आयुक्त वहां पर मौजूद थे कार्यवाही के समय। उसके अलावा प्रभाग जी के जूनियर इंजीनियर कौस्तुभ तोमरे, जूनियर इंजीनियर कड़ो कल्पेश कड़ो जो कि अतिरिक्त आयुक्त के अंडर में है, फिर ओम बगल जो कि वो भी उपायुक्त के अंडर में है जूनियर इंजीनियर, उसके बाद केहूर पाटिल जो डी विभाग के जूनियर इंजीनियर है, भीम रेड्डी आई विभाग के जूनियर इंजीनियर है और मिलिंद शीर्षाट जो एच विभाग के जूनियर इंजीनियर है, यानी 3 सहायक आयुक्त और 5 जूनियर इंजीनियर स्पॉट पर कार्यवाही में मौजूद थे। उसके बाद में दूसरे कर्मचारी मार्शल मजदूर और पुलिस भी वहां पर कार्यवाही में मौजूद थी। तो ऐसा देखने जाए तो ये काफी कार्यवाही काफी बड़ी कार्यवाही है। लेकिन जो जयेंद्र पाटिल ने सवाल उठाए और उन सवालों के बाद में महानगर पालिका की जो मंशा आज सामने दिखाई दी,
इस पे मैं आपका ध्यान देखना चाहूंगा। दरअसल ये कार्यवाही हुई, ये कार्यवाही ऐसे समय में हुई जब हादसा हुआ, उन मकानों को तोड़ा गया जो जूने मकान थे, वो आज तोड़े गए। सबसे पहला सवाल तो जब बन रहे थे तब महानगर पालिका क्या सोई थी? दूसरी चीज, बनाने के समय बनाता है उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या भूमाफिया, तब वो स्वयं महापौर होता है उसमें इन्वॉल्व, लेकिन एक बार अगर वो बना के निकल गया, उसने वो बेच दिया, तब वहां मरता है कोई दबा कुचला गरीब इंसान। जैसे आज 114 घरों में से लोगों को निकालकर उनके घर तोड़े गए। हम ये नहीं कहते कि इल्लीगल बांधकाम है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, इन लोगों की भी गलती है कि इल्लीगल बांधकाम में इन्होंने घर खरीदे, लेकिन यहां नियत की बात है। ये महानगर पालिका की प्रतिदिन होने वाली कार्यवाही नहीं है, ये अभी दुर्भावना में की गई कार्यवाही है। जब उस दिन यह हादसा हुआ उसके बाद में कई सवाल उठे, और पहले तो महानगर पालिका ने FIR कराई, वो भी गलत कराई। उस FIR में ऐसी महिला का नाम लिखा जो कि 2009 में ही मर चुकी है, उसको आरोपी बनाया। उसके बाद में जो जो भूमाफिया इसमें इस पूरे लैंड पर है, बिचौलिए, उनको सबको बख्श दिया गया। नीलम निजाय मैडम ने यह कहा था कि ये जो हमने शिकायत दर्ज करवाई है, ये हमको मिले एग्रीमेंट के आधार पर हमने कराई है। तो मेरे पिछला वीडियो आप देख सकते हो, स्वप्निल डिकुना ने उसमें खुलासा किया था कि जो एग्रीमेंट है उस पर भी और कहीं नाम है, उनका कहीं जिक्र FIR में नहीं किया गया। और जब मैंने इससे पहले के वीडियो में भी सवाल उठाए थे कि पापड़ी में जब तालाब का हादसा हुआ था और तालाब का गेट टूटा था, वहां पर निगलिजेंस के लिए 304 गैर अदालतन हत्या का मामला वहां के जूनियर इंजीनियर के ऊपर दर्ज किया गया था, तो वालिव के जिम्मेदार अधिकारी, इनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? इनके ऊपर गुनाह दाखिल क्यों नहीं हुआ? गुनाह दाखिल की बात तो दूर की बात है, गुनाह दाखिल तो अभी तक महानगर पालिका ने नहीं किया है, लेकिन यही जूनियर इंजीनियर बड़े शान से वहां पर आज गरीबों का झोपड़ा तोड़कर उसका प्रेस नोट में बड़े शान से अपना नाम डाल रहे हैं। इनको क्या हक है कि इन्होंने अपना प्रेस नोट जारी करने का, नाम डालने का? ये कार्यवाही अगर उन्होंने पहले जब बनने के समय की होती तो एप्रिशिएट करने जैसा था। आपने जयेंद्र पाटिल का बयान सुना है, जयेंद्र पाटिल ने यह आरोप लगाया सीधा कि किस तरह से वहां एक स्कूल खड़ा है, उस स्कूल को इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि मौत का सौदा तो कर ही रही है, मौत का मजाक भी बना रही है। वसई विरार महानगर पालिका को जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं वरिष्ठ अधिकारी आगे आकर अपने जूनियर इंजीनियर और वहां के अतिक्रमण अधिकारी को अभी तक निलंबित क्यों नहीं किए? निलंबन छोड़िए, उनको वहां से तबादला क्यों नहीं हुआ? और ये कौस्तुभ तोमरे जो जूनियर इंजीनियर है, ये आखिर है कौन? इसके पीछे कौन है? इसका डंपिंग ग्राउंड में जब तबादला किया गया था तो 15 दिन में फिर अतिक्रमण विभाग में कैसे आया? इनके पीछे कौन है? आस्थापना के जो मास्टरमाइंड है उनसे मेरा सवाल है कि ऐसी क्या जरूरत थी कि 15 दिनों बाद में फिर कौस्तुभ तोमरे को अतिक्रमण विभाग में लाया गया? तो सवाल वही है, लेकिन जवाब कौन देगा? आयुक्त साहब, आपको जवाब देना चाहिए। तो मैंने आपको ये कार्यवाही का पूरा काला चिट्ठा बताया, किस तरह से वसई विरार महानगर पालिका लोगों की भावनाओं से खेल रही है और कहीं ना कहीं मौत का मजाक बना रही है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।